तो ऋषिका बोली थी ना कि उसको भूत वाला जगह जाना है। गाइस हम ऐसा कुछ नहीं बोले, हमको जबरदस्ती लेके आए, हमको मार तो को हॉरर मूवी देखने से डर लगता रहा। अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया, कोई है भी नहीं। तुम देखो देखो यही यही पे टिकट काउंटर है, ठीक है। ऋषिका ने शॉपिंग कर ली, इतना बड़ा दुकान है। अरे आटे नहीं रहा था इसलिए प्लास्टिक में दिया है। माथा खराब कर, माथा खराब। लड़े नहीं, खाली बोले हैं। ऐसा से करेगा भाई है? हम और ऋषिका ना जा रहे बाहर। अभी हम लोगों को ना ऋषिका का एक सर्टिफिकेट लेना है कंप्यूटर वाला। तो अभी देखो हम और ऋषिका एकदम रेडी है, तो फटाफट से निकलते हैं और दिखाते हैं ऋषिका कहाँ पर ट्यूशन पढ़ती थी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सो भाई ऋषिका को फाइनली मिल गया अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। तो प्रूफ मैं पास हो चुकी हूं, फुल नंबर। ये DFA की थी, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो ये बड़ा वाला पुल है ना, इसके पास ये कंप्यूटर जोन, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन जोन। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्सेज। तो गाइस अभी फ़िलहाल इतना ही सा काम था, छोटा सा काम था कि सर्टिफिकेट कलेक्ट करना था, क्योंकि इसको मतलब कहीं पे शो करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं घर को। मेरे ऊपर चढ़ जा रही है। तो अभी चलते हैं घर, छोटा मोटा काम हो गया हमारा। हाँ हाथ में नहीं पकड़ी थी, कहाँ लेके जाएगी, डिक्की में घुसेगा इतना बड़ा टो है। तो वो गुपचुप खिला रहे कि नहीं, तो ब्रेक को पता नहीं क्या हुआ, पीछे वाले का ब्रेक ना मतलब पूरा दबा रहे, फिर भी रुक ही नहीं रहा गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ वही तो, हम चलाते तो ऐसा नहीं होता है, क्या क्या कर दिया पता नहीं गाड़ी को। ये है चांस, देखो बीच में गाड़ी रख के भाग गया, सब रुका हुआ है। ये देखो, देख रहे हो मौज, चांस में कुछ ऐसा ही माहौल रहता है भाई। और एक जाम देखो, आप टोटो लगा दिया बीच में ही, देखो यही सिचुएशन। अभी यहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकले, अभी यहीं पे थे, ठीक है। फिर देखो जाम, तो देखो रोडे में सब बिक रहा है, उधर जाम था, उधर भी जाम है और इधर भी जाम है। देखो ऋषिका व्हाट शुड वी डू, जाम में फंसे रहे। तुमको बोला था रूट बदल लो, मेरा बात नहीं सुनता है। हम लोग पैदल आ जाना चाहिए, इससे जल्दी हम लोग पहुँच जाते घर। और अभी मेरे को अभी काम है, ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, चास का है तो थोड़ा जाम तो सहना पड़ेगा ना। ऋषिका, तो गाइस अभी हम लोग गुपचुप खाने आ गए। अभी हम लोग ना चावल खा के आए, और अभी गुपचुप के लिए पेट में जगह नहीं है, फिर भी बोलते हम खाएंगे। हम कम चावल खाते हैं। तुमको पता था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, झूठी लड़की। थोड़ा पेट में जगह बना लिए, तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पहले से ही खाने का प्लान था। मेरा कोई प्लान नहीं था, हम मना कर रहे थे, लेकिन तुम बोली तो हम भी खा लेते, क्या दिक्कत है खाने में। आपकी बात मत मानो, हम तो खाएंगे हैं, मेरे को भूख लगी है, देख के स्मेल सुन के भूख लग गया गाइस। Later that same evening. So guys अभी हो गया शाम, और ऋषिका को ना बहुत मन है कि वो एक शूज ले ले, बूट्स ले ले। तो वो एक फोर में एक शॉप में देखी थी कि एक बहुत ही मस्त उसको बूट्स पसंद आ गया था, तो वही जा रहे हैं अभी हम लोग लेने। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर में, इसलिए अभी हम और ऋषिका पूरा फुल्ली पहन चुके हैं, ठीक है। दो चार पहन लिए अंदर अंदर, देखो जैसे अंदर में वेस्ट बंगाल पहन लिए हैं, फिर ये है, ठीक है, ये भी स्वेटर टाइप का ही है, उसके ऊपर जैकेट पहननी है और टोपी भी पहन लेंगे जिससे कि हम लोग को ठंडा ना लगे। और चलिए देखते हैं कि ऋषिका क्या पसंद की है, और अगर बढ़िया लग गया वो बूट्स या शूज़ जो भी ये बोल रही है तो वो चलिए लेते हैं। ऋषिका ने मेरे को कॉलेज के टाइम से ही परेशान की हुई है, जैसे हम कॉलेज से कितना बजे आए, 4:30 बजे आए ना, तब से बोले कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तब से हम मतलब बोले कि रुको रुको रुको, जा रहे, ठीक है। और अभी हम फटाफट से रेडी हो गए, और अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 6, तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि हम बहुत देर से टाल लिए और टाल नहीं पा रहे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई आज ना ठंडा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और पानी भी जैसे गिरा था, मौसम एकदम ख़राब है भाई। तो चलिए चलते हैं अब। तो भाई जैसे ही ना पुल पार करते हैं, वैसे इतना ज़्यादा ठंडा लगता है ना, क्या बताएं, मतलब एकदम पूरा सिस्टम हिल जाता है भाई पूरा। हमको कोई रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया है, और एकदम क्या बोलते हैं, एकदम चिल्ड वाला ठंडा है। तो गाइस शिमला मनाली जैसा फील हो रहा है ना, इधर थोड़ा और ज़्यादा ठंडा है भाई, देखो। और मेरा ना ग्लव्स नहीं है, नहीं पूरा हाथ में ठंडा लग रहा है, ग्लव्स पहन लेते तो बढ़िया होता। मेरे लिए जिंदा पहुंच गए, ठीक है, इतना ज़्यादा ठंडा के बाद हमको ये मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि हम लोग जिंदा पहुँच गए गाइस। डर लग रहा है कि मेरे को मेरा जूता मिलेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं वुडलैंड, ये जो है ना सी लेदर्स है ना, देखो मेरे पीछे सी लेदर्स, उसके जस्ट अपोजिट में वुडलैंड है, तो वहीं पे अभी हम लोग ले रहे हैं। तो देखते हैं, उसका तो शोपीस में लगा हुआ था, अगर नहीं मिला तो ऋषिका नहीं मिला तो तुमको मारेंगे। हम लोग ना कुछ दिन पहले बुआ के साथ आए थे, ठीक है, तो तभी वो देखी थी, तो हम बोले तभी ले लेना चाहिए था अगर इतना मन था,
छोड़िए, अब चलिए देखते हैं यहीं पे। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वुडलैंड है ना, ये जो देखो सी लेदर्स के जस्ट अपोजिट में आप लोगों को मिल जाएगा वुडलैंड, यही वाला देख के आई थी, यही है ना। हाँ। तो देखो और भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो अब इसका साइज मंगाते हैं और ट्राई करते हैं। चेन भी लगा हुआ है भाई जूता में, देखो चेन लगा हुआ है, वो वैसा ही होता है। वाला मेरे को पसंद है, सोरे पापा को गिफ्ट करेंगे ये वाला, ठीक है। वुडलैंड में बहुत सारा ऑप्शन है, तो मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है ये वाला, तो ये वाला अब लेंगे, मस्त लगता है मेरे को ये। एक रात कोई मार खाएगा ना मर जाएगा। देखो फ्री होके चलिए, फ्री होके, उसको मत सोचिए हम लोहा पहन। अरे ये उखड़ जाएगा, हमको लग रहा है ये उखड़ेगा, ये उखड़ जाएगा। तीन महीने का वारंटी है ऋषि का, ठीक लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। सोबर कलर है इसका, सिंपल लुक है जो एक बूट में होना चाहिए, ज्यादा कामयाब नहीं। देखो देखो ऋषिका ने शॉपिंग कर ली, इतना बड़ा दुकान है। अरे आटे नहीं रहा था इसलिए प्लास्टिक में दिया है, तो फिर थैला अलग से ले लेना था, हम देखे भी मतलब आदत गरीबी वाला आदत नहीं सुधरेगा तुम्हारा। अरे तो थैला लगेगा, सब्जी लग जाएगी तुम। गाइस मैंने ले लिया है, तो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, और हम उतना ही दुखी है। जलेबी जैसा हो जाता है, हम कुछ भी नया चीज लेने का ट्राई करते हैं तो बाद में इसको अच्छा लगेगा हमको पता है। ये जितना खुश है ना उतना ही हम दुखी है, ठीक है, हमेशा की तरह। तुमको बाद में, तो गाइस आप लोग भी ले सकते हैं यहाँ से फूड प्लैनेट में, ठीक है। तो अब चलिए कुछ खाते पीते हैं, अब कुछ खर्चा कर दो ऋषि का, चलो। Meanwhile, so guys, देखो ये वाला कौन सा प्लेस हम लोग आ गए हैं। अगर आपने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा हुआ ना भूत वाला, तो यहीं पे ही हम लोग आए थे शूट करने के लिए, ये वाला स्टेडियम था, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा कुहासा है, तो अभी ऋषिका को लेके आ गए हैं। तो ऋषिका बोली थी ना कि उसको भूत वाला जगह जाना है। गाइस हम ऐसा कुछ नहीं बोले, हमको जबरदस्ती लेके आए, हमको मार। तो देखो पूरा कैमरा भी फॉग फॉग हो जा रहा है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बताओ? डर लग रहा है ऑब्वियसली। तो पहले कैमरा थोड़ा सा पूछ ले गाइस, बहुत ज़्यादा फॉगी है ना इधर अभी, रुक के नहीं। ऋषिका तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे बताओ? देखो कितना सुनसान एरिया है, भूत-भूत वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हॉरर मूवी देखने से डर लगता रहा, अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया, कोई है भी नहीं। तुम देखो देखो यहीं पे टिकट काउंटर है, ठीक है। देखो पता चला हम लोग बाद में वीडियो देखेंगे, पीछे से कोई भूत नहीं दिख जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भूत दिख रहा होगा ना तो कमेंट कर ला, ठीक है। और वैसे अभी ज्यादा रात नहीं हो रहा है इसीलिए हम आगे, नहीं तो इतना रात में हम आते नहीं भाई। इतना मतलब 7:45 8 बजने आए, रात नहीं लग रहा तुमको ये? देखो देखो कैसा है भाई, पूरा एकदम सुनसान। तुम चलेगा? नहीं नहीं थोड़ा सा रुक लेते हैं, थोड़ा गाइस ये पागल हो गया है, थोड़ा देर रुक लेते, देखते भूत उत आता है ना। तो गाइस उधर क्या है पता ही नहीं चल रहा यार, फोन भी अपने आप से बंद हो जा रहा है, और ये पागल जैसा कर रहा है। क्या मतलब, क्या मतलब उधर कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। देखो देखो एक आदमी नहीं है भाई, देखो देख रहे हो, एक खाली वहाँ पे कार वाला हम लोग को सहारा दे रहा है, दूर में खड़ा है बस, और कोई नहीं है गाइस। रुके हम लोग पाँच मिनट नहीं। तो गाइस चलिए चलते, इतना ज्यादा नहीं डराते, क्या पता चला कि डराते ना, नहीं है ये सच में। देखिए गाइस कैसा है, पकड़ो हम खुद डर जाएंगे भाई। आप देखिए एक बार मेरे आजू बाजू कुछ दिख रहा है आप लोगों को इधर? चलो तो गाइस अभी चलिए चलते हैं, मेरे को तो खतरा ही लग रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा मतलब कुहासा है, ठीक है, और एक आदमी तो है नहीं, तो क्यों अपना जान को खतरे में डाले, फटाक से निकलते हैं। इधर एक है बाइक वाला बस, और इधर इतना शांति, और उधर क्या है? उधर भाई धुआं आ रहा है, धुआं, अब क्या जो बोले, मेरा फ़ोन इतना मतलब कैप्चर नहीं कर रहा है, धुआं आ रहा है। देखो बाप रे ये घर, देखो इधर इधर कौन रहता है भाई? गाइस हमको तो इधर से बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आ रहा है, और ऊपर से अजीब सा स्मेल भी आ रहा है, हम पागल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ से फटाफट से निकलते हैं अब, ठीक है। अरे भाई टोपी, अरे पगला, एक हाथ से चलाना पड़ता है कभी कभी, एक हाथ ये दोनों हाथ छोड़ दिया था। अब हम लोग सेफ जोन में, अभी हम लोग बाहर आ चुके गाइस, कोई सेफ जोन नहीं है, दौड़ के आ जाएगी भूती तो पता भी नहीं चला। अगर आप लोगों को भूत किया हुआ ना पीछे में तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भूत था, ठीक है। मीनवाइल गाइस ये शूज पहनने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसको कैसे चलते, इसको पहन के। मैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट मैं इसको बता नहीं रही थी, नहीं तो ये मेरे को बोलता नहीं नहीं मत लो। गाइस बूट्स ले लिए, और सॉक्स ना ले तो कैसे चलेगा, ठीक है, इसका सॉक्स ना
वो क्या बोलते हैं, वो दुकानदार ना सॉक्स देके इसका शर्मा गया, ऐसा फटा वाला सॉक्स पहनी थी ना था वो। तो मेरा वाला क्यों पहनी थी ऐसा फटा वाला सॉक्स पहनी थी ना गई, मोजा घूम गया था। वो बोलता है कि सॉक्स को थोड़ा टाइट कीजिए, मतलब थोड़ा ऊपर टानी है, तो हम बोले टाइटे है वो, इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकता, अब नीचे ही जा सकता है। तभी हम बोले ना कि चलो यहीं से देख लेते पार रहते थे पुल से, अंकल कहाँ गए इसको जमा तो करना है, सिटी स्टाइल से हम बोले चलो सॉक्स देख लेते हैं, और यहाँ पे है नहीं भाई, कहाँ गया आदमी, तो गायब हो गया, देखा बुलाना पड़ेगा हमको खुद। तो गाइस हम बैग रख रहे हैं, बुला के लाए इनको कि बैग रखना है, ये देखो बुला के लाना पड़ता है, गंदा हो गया था गाइस, ठंडा जा रहा है मेरा फोन भी भकवा जा रहा है। सो गई हम लोग बहुत सोच विचार के बाद ना, इतना सारा रिजेक्ट करने के बाद हम लोग ये वाला फाइनल किए जिसमें तीनों कलर है, ठीक है दिखाओ कौन कौन से कलर है, ब्लैक है, ब्लू है और वाइट है। घर में इतना ठंडा नहीं, यहाँ पे मस्त गरम गरम था, जाने का मन ही नहीं कर रहा बाहर, तुम रहो हम जा रहे हैं, चलिए अब निकलते बाहर। धुआं दिख रहा, धुआं, आदमी गायब हो गया गाइस फिर से, रख देते हैं हम जाते हैं। अबे कहाँ चल गया, अबे फिर से भाग गया साला, दोबारा बुला के आए, दोबारा आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद सिटी स्टाइल, दोबारा बुलाना पड़ा, फीडबैक दे रहे गाइस, ठीक है सिटी स्टाइल में आओगे ना तो खुद आपको बुलाना पड़ेगा, और खुद आप बुला के लाओगे तो ही आपका बैग रखेगा, फिर आपको मतलब बैग दोबारा लेने के लिए रोड में दोबारा बैग लेने के लिए फिर आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सिटी स्टाइल। और हम बोले चलिए तो बोलते हैं जा रहा है ना भाई, बोला अच्छा जैसे मेरे को फ्री में कर दे रहा है, किसी का पैसा मिलता है, माथा खराब कर रहा, माथा खराब, लड़े नहीं खाली बोले हैं, ऐसा ऐसे करेगा भाई है, सामान हम एक तो खरीद रहे हैं, हम ही को दिखा रहा है, मारो चला, छोड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस। ये लड़की बेड के ऊपर चढ़ गई है, मैं उतर जाओ उतर जाओ, तुम्हारा जूता नहीं देखना किसी को, ठीक है मम्मी को दिखा रही है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। सो गाइस अभी जूता लेके आ गई है ना, तो वो पहन के सबको नाच नाच के दिखा रही है कि देखो मेरा जूता मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे से लंबी तो नहीं हो पाई तुम, लंबी तो नहीं हो पाई, हम बोल रहे हैं ना गाइस कि उस दुकान में जैसा दिख रहा था उससे अच्छा अभी दिख रहा है। हाँ तो घर में आने के बाद ना बहुत ज्यादा पसंद, मतलब पसंद किया हुआ चीज और बढ़िया से लगता है कि नहीं यही लेना था, ये तो मेरे लिए बना था, है ना। कूदो मत अभी निकल जाएगा सोल्ट बाहर। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर कर देना, ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लो यार, कब करोगे, ठीक है जल्दी जल्दी से भाई अपने भाई को बहुत बहुत आगे बढ़ाओ, ठीक है और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, टिल देन बाय गाइस।